नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको अपना गेमिंग सेटअप दिखाने जा रहा हूँ जो कि लैपटॉप एंड मेरा डेल की गेमिंग मशीन है। यह डेल का 24 इंच ऑल इन वन पीसी है जिसकी कीमत 1,00,000 रुपीज़ है और ये सबसे बीस्ट मशीन HP का ओमन 16 जो कि RTX 1490 ग्राफिक कार्ड के साथ आता है। चलिए इनको ऑन करते हैं और आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या गेम्स इसमें पड़ी हैं, क्या क्या गेम्स खेलता हूँ, किसमें मैं क्या करता हूँ। चलिए बिना देरी करते शुरू करते हैं। ये होता है यहाँ से ऑन डेल का पीसी और ये होता है यहाँ से ऑन। और ये जो कीबोर्ड है, बेसिकली ये जो कीबोर्ड है ये आता है इसके साथ और ये इसका माउस है डेल का और इसके साथ कोई कीबोर्ड नहीं आया था तो मैंने इसका सेपरेट ये माउस लिया था। इसमें गेमिंग बटन्स भी है, देखिए ये साइड में, ये बैक और आगे जाने के लिए होते हैं ये बटन्स और बाकी नॉर्मल ही है। इसमें फीचर ये है, ये अकेला ही 1500 का है ये। इसमें दो ऑप्शंस हैं, नीचे आप देख सकते हो। ये इसको आप ब्लूटूथ से भी चला सकते हो अगर आपकी वो OTG डोंगल जो होती है ना जिससे ये अटैच किया जाता है PC में, जिनको पता है कंप्यूटर का उनको पता है भी इसमें एक डोंगल होती है यहाँ पे, उससे अटैच किया जाता है इसको PC में। अगर वो घूम जाती है तो ये माउस बेकार हो जाता है, बट इसमें ब्लूटूथ का भी ऑप्शन है इसीलिए ये कॉस्टली है। 1500 का ये मिला था आफ्टर डिस्काउंट के बाद। चलिए पासवर्ड भरते हैं। देखिए गेमिंग प्रॉपर थीम लगा रखी है, पास से दिखाता हूँ। देखिए देखने में कुछ ऐसा लगता है मेरा सेटअप, बहुत बहुत लोगों का ड्रीम होता है ऐसा सेटअप। देखिए ये इसमें थोड़ा सा माफ करना, ये थोड़ी सी रिवॉल्विंग चेयर जो मेरी है ना वो थोड़ी सी नॉइस करती है। देखिए दोस्तों इसमें OBS स्टूडियो पड़ा है जो कि स्क्रीन रिकॉर्ड करने के काम में आता है, उसमें भी पड़ा है, देखिए ऊपर पड़ा है OBS 64। ये दोनों सॉफ्टवेयर स्क्रीन रिकॉर्ड करने के काम में आते हैं। जैसे कि आपको ने पता होगा PUBG की रिकॉर्डिंग करने के लिए Elgato को यूज़ किया जाता है और भी कई स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ किए जाते हैं, तो PC में OBS स्टूडियो ये बिल्कुल फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, स्क्रीन कैप्चर कर सकते हो, लाइव कर सकते हो। ठीक है गेम्स दिखाता हूँ आपको PC में कौन सी बढ़िया। देखिए ये डेल का ऑल इन वन PC है, ऐसे दिखेगा आपको डेल का। ये i5 13 जनरेशन है जो कि लेटेस्ट है और ये RTX 1490 के साथ आने वाला HP का ओमन गेमिंग लैपटॉप। इसकी बैक लुक दिखाऊँ आपको, ये थोड़ा सा ग्लास टाइप में होता है इसका लुक। इसकी साइड से दिखाऊं अगर आपको, ये ऐसे लुक है इसकी। और इसके नीचे ये जो पड़ा है ना इसको कहते हैं कूलिंग पैड, ये भी एक्स्ट्रा परचेज किया गया था। इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा और ठंडी ठंडी हवा आएगी। देखिए नीचे लाइट्स वगैरह चल गई हैं, यह प्रॉपर इसको कूल करने के काम में आता है क्योंकि ये बहुत हाई परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है, इसको कूल रखना पड़ता है। इसके खुद के भी फास्ट चलते हैं RPM पे फैंस, बट वो इतना कूल नहीं कर पाते। देखिए दोस्तों इसका जो ग्राफिक कार्ड है वो इतना पावरफुल नहीं है कि जो मेजर गेम्स होती हैं जैसे कि Forza Horizon 5, GTA 5 वगैरह को हैंडल कर पाए, इसीलिए ये 4090 RTX ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप यूज़ किया जाता है ताकि वो मेजर गेम्स को इजीली हैंडल कर पाए, लाइव स्ट्रीम कर पाए, बहुत सारे मेजर टास्क ये आराम से कर लेता है। छोटे ग्राफिक कार्ड वाले भी कर लेते हैं बट ये नहीं हैंडल कर पाता, सो मैं इससे सारी गेम्स खेलता हूँ। यहाँ पे आती हैं, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, एडिट किया जाता है, तो वहाँ से फिर लाइव किए जाती हैं यूट्यूब चैनल पर। अपने बहुत सारी गेम्स मैंने अपने चैनल पर RuneStack पर आपने देखी होंगी, वो इससे खेलता हूँ मैं और यहाँ पे आकर उसको एडिट किया जाता है। तो गेम्स दिखाता हूँ आपको मेरे पास कौन कौन सी है। देखिए दोस्तों इसमें तो थोड़ी छोटी मोटी गेम्स हैं, ये मैं पुरानी मेरी फेवरेट गेम है क्लाइव बार्कर, डाइंग नीड फॉर स्पीड, अंडरग्राउंड 2 और भी थी इसमें बट मैंने वो डिलीट कर दी गई हैं। इसमें देखिए ये प्रॉपर मैंने कलेक्शन बना रखी है, ये मेरी सबसे पुरानी वाली फेवरेट गेम है NFS मोस्ट वांटेड, उसके बाद Forza Horizon 5, फिर Days Gone, GTA 5, Battlefield 5, Uncharted 4, Legacy of Thief कलेक्शन।
सो दोस्तों ये था मेरा गेमिंग पीसी। दोस्तों अब आए इसकी प्राइस के बारे में बताता हूँ। ये जो ऑल इन वन पीसी है 24 इंच का है, ये 16 इंच का है लैपटॉप है, तभी दिखने में ये बहुत बड़ी स्क्रीन है। ये जो गेमिंग लैपटॉप है इसकी प्राइस MRP तो बहुत ज़्यादा थी, पर मेरे को आफ्टर डिस्काउंट ये 3,60,000 का पड़ गया था। ये तो टोटल ये जो मेरा सेटअप है ये टोटल मेरे को पड़ गया था 4,60,000 का। बाकी ये जो एक्सेसरी कूलिंग पैड, ये लैपटॉप के कीबोर्ड वगैरह, ये एक्स्ट्रा परचेज किए गए थे, माउस वगैरह। इसका बैग भी आता है, इसका कोई बैग नहीं आता क्योंकि इसको आप उठा नहीं सकते। सो ये था एक दोस्तों मेरा गेमिंग सेटअप। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। अगर आप कोई भी गेम प्ले देखना चाहते हो मेरे इस सेटअप पे तो ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।